मम्मी, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा और आपके दिमाग में इजिप्ट की मम्मी का चित्र बना होगा, क्योंकि मम्मी तो सिर्फ मिस्र में ही होती है ना? जी नहीं, इस वीडियो में हम आपको जिस मम्मी के बारे में बताने जा रहे हैं वो मिस्र में नहीं बल्कि भारत में है। मम्मी शब्द अपने आप में ही काफ़ी रोमांचक और रहस्य से भरा लगता है। वहीं इस बात पर विश्वास करना आज भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई किसी मृत शरीर को हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा संभव है और वैज्ञानिक रूप से भी इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है। और मिस्र के साथ साथ भारत में भी मम्मी मौजूद है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रसिद्ध संत और दार्शनिक गुरु रामानुजाचार्य के असल शरीर को सुरक्षित रखा गया है। इनका ये शरीर 900 साल पुराना बताया जाता है, जिसके दर्शन कोई भी कर सकता है। रामानुजाचार्य वैष्णव परंपरा के महान दार्शनिक के तौर पर जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक रामानुजाचार्य को भी जगतगुरु शंकराचार्य और गुरु मध्वाचार्य के समान ही आदर और सम्मान दिया जाता है। रामानुजाचार्य आलवंदार यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु की इच्छा अनुसार रामानुज ने उनसे तीन काम करने का संकल्प लिया था, ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधनम की टीका लिखना। उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्रीरंगम के यदिराज सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। भक्तिवाद के लिए उन्होंने दार्शनिक आधार और उनके द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन प्रभावशाली माने जाते थे। इतिहास के आधार पर माना जाता है कि दक्षिण भारत के मैसूर के श्रीरंगम से चलकर रामानुज शालग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुज ने उस क्षेत्र में 12 साल तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। फिर उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश में भ्रमण किया। माना जाता है कि श्री रामानुजाचार्य अपने वृद्धावस्था में यहाँ आए थे। करीब 120 साल की आयु तक श्रीरंगम में रहे थे। कुछ समय बाद भगवान श्री रंगनाथ से देह त्याग की उन्होंने अनुमति ली। उसके बाद अपने शिष्यों के सामने घोषणा की। 1137 ईस्वी में उन्होंने एम्बर की गोद में अपना सिर, वडुगनम्बी की गोद में पैर रख कर और यमुनाचार्य की श्री पादुकाओं को देखते हुए दिव्य प्रबंधनम का पाठ सुनते हुए अंतिम सांस ली। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया है। ये मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर कई सालों से रख कर पूजा जाता है। आमतौर पर मम्मी निद्रा भंग के रूप में होती है, लेकिन रामानुजाचार्य की मम्मी सामान्य बैठने की स्थिति यानी उपदेश मुद्रा में है। मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे उनकी मम्मी को रखा गया है। रामानुजाचार्य के शरीर में आंखें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं और करीब से देखने पर उनके नाखून भी दिखाई देते हैं। इस मम्मी पर केवल चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग इस मम्मी को संरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता। 878 वर्षों से केवल कपूर, चंदन और केसर के मिश्रण को 2 साल में एक बार रामानुजाचार्य की मम्मी पर लगाया जाता है। इस लेप के कारण शरीर का रंग केसरिया हो चुका है। आप भी जाकर इस मंदिर में उनकी मम्मी को देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और बने रहें धर्म संवाद के साथ। मैथिता मिश्री, धन्यवाद।